दोस्तों किसी टेक्नीशियन भाई के पास ये ले गया था और इसका कॉयल चेंज कर दिया, कंडेंसर चेंज कर दिया। आपको अभी दिखा रहा हूँ, न्यू वाला कंडेंसर है, 2.50 MFD का कंडेंसर है और इसका जो शाफ्ट है और बूश है सब कुछ चेंज कर दिया। सिर्फ इसका बॉडी पुराना है, बाकी सब कुछ चेंज कर दिया, फिर भी इसका स्पीड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कस्टमर भाई ने मेरे पास लाया है और उसका कहना है कि स्पीड नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसे मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसमें पावर दे देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका स्पीड बहुत ही कम है। आप देख सकते हो ये डायरेक्ट कनेक्शन किया हुआ है इसमें और बहुत ही कम स्पीड में चल रहा है। आप देख सकते हो इसका जो पंखा घूम रहा है, इसको गिन भी सकते हो आप जिस तरह से ये घूम रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो स्पीड क्यों कम हो रहा है, इसको मैं इसका स्पीड जो है मैं इंक्रीज करके आपको दिखाने वाला हूँ, इसको ठीक करके दिखाने वाला हूँ कि इसका सब कुछ चेंज कर दिया फिर भी इसका स्पीड क्यों नहीं हो रहा है। और कोई खर्चा नहीं दोस्तों, बिना खर्चा में सिर्फ दिमाग का काम है और इसका मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। ठीक है, तब पूरा वीडियो को देखो और मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों कोई भी चीज़ रिपेयर करने से पहले उसके बारे में जानकारी ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ भी चेंज कर दीजिएगा, कंडेंसर चेंज कर दीजिए, कॉयल चेंज कर दीजिएगा, तो स्पीड नहीं बढ़ेगा दोस्तों। कुछ फिटिंग का भी बात होते हैं, तो आज मैं इसको सिर्फ फिट करूँगा, अच्छा से आपको दिखाऊँगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। इस मोटर को मैं ओपन कर लूँगा और आपको दिखाऊँगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं सबसे पहले इस मोटर को बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं जब तक बाहर नहीं निकालूँगा तब तक आपको कैमरा में दिखा नहीं पाऊँगा, इसीलिए मैं आपको दिखाने के लिए मोटर को बाहर निकालूंगा, नहीं तो मैं यहीं से ठीक कर सकता हूं, इसका स्पीड इंक्रीज कर सकता हूं। तो चलिए मैं सबसे पहले मोटर को बाहर कर लेता हूं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने फैन से मोटर को बाहर निकाल लिया हूं और अब हम आपको बताएंगे कि इसमें स्पीड क्यों नहीं हो रहा है, जबकि इसका कॉइल भी न्यू है, सब कुछ न्यू है, फिर भी इसका स्पीड नहीं हो रहा है। सब कुछ चेंज करने के बाद भी ये स्पीड नहीं हो रहा है, कॉइल बदलने के बाद अचानक इसका स्पीड कम हो रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें अंदर में प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, जो हम आपको स्पीड बढ़ा के दिखाएंगे। देख सकते हो मैं इसको ओपन कर लूँगा, इसमें चार नट लगा हुआ है, चारों नट को मैं ओपन कर लूँगा फ्रेंड इस तरह से। ठीक है, मैं फटाफट इसको ओपन कर लेता हूँ चारों नट को। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो मैंने सभी नट को ओपन कर लिया, अब इसको हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, इसको बाहर करने के चारों नट को मैं इस तरह से दबा देंगे। देखिए देखिए ये आगे से निकल जाएगा फ्रेंड्स, देखिए मैं आगे से निकाल लेता हूँ इसको। देखिए इस तरह से ये चारों नट को हम बाहर निकाल लेंगे, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तब देख सकते हो मैंने चारों नट को बाहर निकाल लिया, अब इस ढक्कन को खोलने के बाद ही पता चलेगा स्पीड क्यों नहीं घूम रहा है। तो चलिए मैंने इसको निकाल लिया और आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये रोटरी जो है फ्रेंड्स ये बाहर निकला हुआ है। ठीक है, ये अंदर की तरफ जाएगा लेकिन ये बाहर निकला हुआ है। ठीक है, आपको अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ, जैसे मैंने सीलिंग फैन में बताया था आपको। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्पीड में क्यों नहीं घूम रहा आज हम बताएँगे। तो आप देख रहे हो ये रोटरी है, देख सकते हो, आपको अच्छा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस रोटरी के बीच में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कंपनी ने मार्क दे के रखा है, तो ये जो बीच में है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच में जो है, आपको कॉइल के अंदर में भी दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो अंदर पर ये बीचों बीच में रहना चाहिए। ठीक है, ये जो है ये रोटरी, इसका कॉइल के अंदर जो कंपनी ने दे के रखा है आप देख सकते हो, इसका बीचों बीच में रहना चाहिए। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तो ये स्पीड में नहीं घूमने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको एडजस्ट करने के लिए इसको वॉशर, आप देख रहे हो फ्रेंड्स यहाँ पर आगे पीछे वॉशर लगा रहता है, तो इस वॉशर को आगे मतलब एडजस्ट करना है कि ये बीच में रहे। ठीक है, चलिए मैं आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ किस तरह से इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं ये आगे वाला वॉशर को बाहर निकाल लिया। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर डालूंगा फ्रेंड्स।
ठीक है, वॉशर जितना भी है आगे वाला मैं बाहर निकाल लूँगा, और भी वॉशर यहाँ पर लगा हुआ है, चलिए मैं बाहर निकाल लेता हूँ। एक वॉशर है यहाँ पर, चलिए इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, एक ही वॉशर को हम लगाएंगे आगे में, ठीक है। अब देखेंगे कि एक वॉशर लगा के ये बीच में एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से अब देख सकते हो मैंने डाल दिया, और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब देख सकते हो थोड़ा सा अंदर चला गया एक वॉशर देने के कारण। तो अब हम क्या करेंगे, और एक वॉशर देंगे फ्रेंड्स, और इसको बीच में ही बैठाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं करना चाहता हूँ, इसको बीच में बैठाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए हम बीच में बैठा लेते हैं। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने दो ही वॉशर लगाया, क्योंकि दो वॉशर लगाने के बाद ही ये सही में एडजस्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा भी गैप नहीं है, एकदम बराबर बैठा है। और जो कंपनी ने मार्क दे के रखा था ये बाहर की तरफ है और अंदर में बीच की तरफ बैठा है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ वॉशर लगाएंगे फ्रेंड्स। देख सकते हो पीछे आना नहीं चाहिए, ढीला नहीं रहना चाहिए। अगर पीछे आ जाएगा, देखिए इस तरह से अगर पीछे आ जाएगा ये बाहर निकाल के, तो आपका फिर से स्पीड में नहीं घूमेगा और पंखा अच्छा से नहीं चलेगा फ्रेंड्स। तो मैंने वॉशर लगा दिया, अब हम इसको लगाएंगे। अगर ये बाहर की तरफ आ जाते हैं तो और एक वॉशर लगाएंगे, एडजस्ट करेंगे उसको। तो चलिए पहले मैं इसे सेट करता हूँ कि ये बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं। तो अब वीडियो को पूरा देखो फ्रेंड्स, तभी आपके समझ में आएगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स। चलिए इस तरह से हम इसको बिठाने के लिए इसके अंदर में रख देंगे, तभी ये अच्छा से एडजस्ट होगा। और तब देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने वायर को इसके अंदर डाल दिया, आपको इसी तरफ से वायर को भी अंदर डाल लेना है। और देखिए मैं यहाँ इसको बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से, और इसका जो होल है उसके सामने ही रखना है, तभी ये स्क्रू अंदर जाने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आप देख सकते हो, और ये आपको दिखा रहा हूँ ये पीछे की तरफ आ रहा है कि नहीं। तो अभी थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन इसको हम नट टाइट करेंगे, उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स कि ये ज़्यादा हो रहा है क्या। और एक वॉशर लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये ज़्यादा ही हो रहा है, देख सकते हो आप। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ज़्यादा जाएगा तो ये अच्छा से घूमेगा नहीं, ये 5 मिनट चलने के बाद रुक भी सकता है। तो चलिए मैं एक और वॉशर लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने और एक वॉशर लगा दिया आपको, आप दिखा रहा हूँ, देखिए ये थोड़ा सा अंदर बाहर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा अंदर बाहर आपको रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि अब थोड़ा सा नहीं रखिएगा तो पंखा जाम हो जाएगा, घूमेगा नहीं। तो थोड़ा सा ही रखना, हल्का सा रखना है आपको, ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो आपका फ़ैन नहीं घूमेगा, ठीक है। तो अब ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं नट बोल्ट को टाइट करूँगा। तो चलिए अंदर मैं नट को डाल देता हूँ, एक एक करके चारों नट को मैं डाल दूँगा फ्रेंड्स। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने चारों नट को डाल दिया इसमें। अब आपको हल्के हाथों से ही इसको नट लगाना है, बाद में इसे टाइट करना है एडजस्ट करके, क्योंकि ये जाम ना हो जाए। तो चलिए मैं फटाफट नट को लगा लेता हूँ फ्रेंड्स। चारों नट को पहले मैं इसमें फंसा देता हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे चारों तरफ टाइट करूँगा कि ये जाम ना हो जाए। इस तरह से आपको चारों नट को हाथों से पहले लगाना है, बाद में आपको रेंच से टाइट करना है। चलिए मैं फटाफट लगा लेता हूँ और आपको स्पीड इंक्रीज करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये स्पीड बढ़ता है। आप वीडियो को ज़रा से भी स्किप ना करो फ्रेंड्स, नहीं तो आप इस फैन को सेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीलिंग फैन में बैरिंग लगा हुआ रहता है और इस फैन में बूस और से आप लगा रहता है। तो ये थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो ये घूमने वाला नहीं है, इसमें आवाज़ भी आ सकता है और ये जाम भी हो सकता है। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने चारों नट को लगा दिया, अब किस तरह से एडजस्ट करना है, इसे किस तरह से फ्री करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी देख सकते हो इसको हल्का हाथों से घुमा के दिखना है, तो ये घूम रहा है। तो इसको अब हम धीरे धीरे टाइट करेंगे फ्रेंड्स, और इसको और भी फ्री करना है, क्योंकि अभी ये अटक रहा है फ्रेंड्स। तो इसको सभी नट को थोड़ा थोड़ा करके टाइट करना है, और हल्के हाथों से आपको घुमा कर देखना है कि ये मोटर घूम रहा है कि नहीं, या तो जाम हो रहा है। अगर ये टाइट करने के बाद जाम हो जाए फ्रेंड्स, तो आपको एक वॉशर निकल के फेंकना होगा, ठीक है, वॉशर निकाल लेना होगा, तभी ये फ्री होगा। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो मैंने नट चारों नट को टाइट कर दिया, लेकिन ये फ्री नहीं लग रहा है, थोड़ा सा जाम लग रहा है।
तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक हथौड़ी लेंगे और धीरे धीरे चारों तरफ में इसको हल्के सा इसको ठोकेंगे, अच्छा से बिठाने की कोशिश करेंगे इसको और इसको धीरे धीरे देखेंगे। तो ये बिल्कुल फ्री हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जैसे मैंने ठोका तो ये फ्री हो गया। अब हम चारों नट को फुल टाइट कर देंगे। ध्यान रखिए ज़्यादा टाइट भी नहीं करना चाहिए इसको, क्योंकि ज़्यादा टाइट कीजिएगा तो इसका नट ख़राब हो सकता है, इसका जो नट के गुने होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको टाइट कर लेना है फ्रेंड्स चारों नट को, ताकि बाद में ये डिसबैलेंस ना हो जाए, क्योंकि ढीला रखिएगा तो भी ये डिसबैलेंस हो सकता है। मैं घुमा के दिखाऊंगा फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा घूम रहा है, ये स्मूथली घूम रहा है। अब थोड़ा सा इसमें हम तेल डालेंगे फ्रेंड्स, अब भी इसमें तेल डाल सकते हो, ठीक है, नारियल का तेल या कोई भी तेल। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं तेल डालूँगा इसमें, आपको ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ ना जाए कॉइल में तेल ना जाए, क्योंकि कॉइल में अगर तेल जाएगा तो ये ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। हल्के हाथों से मुझे डालना है, तो इस तरह से आपको तेल दे देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब मैं इस मोटर को पंखा में फिट करके आपको दिखाता हूँ कि इसका स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए कितना अच्छा हो गया, कोई भी साउंड नहीं है, ये बहुत ही अच्छा घूम रहा है। तो चलिए मैं पंखा में फिट कर लेता हूँ फटाफट। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो मैंने मोटर को फिट कर दिया, ठीक है, और इसमें पहले वाला ही कंडेंसर लगा हुआ है, जो पहले लगा हुआ था 2.50 mm, वही वाला कंडेंसर है, और ये है वायर, ठीक है। अब मैं इसमें पावर दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसका अब जो स्पीड नहीं हो रहा था तो अब स्पीड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसको, इसमें पावर देखें। आपको आवाज़ से ही पता चल जाएगा, फिर से आपको पावर देके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकेंड इसको बंद करके मैं चालू करता हूँ। अब बहुत ही अच्छा स्पीड हो रहा है फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें पावर देके आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। चलिए इसको बंद कर देता हूँ और देखिएगा फिर से कि कितना आवाज़ होगा इसमें, आवाज़ से आपको पता चल जाएगा। चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।